सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंजिलॉन लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट, लगभग 3.3% की गिरावट। और अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो टॉप लेवल से गिरावट 4% तक देखने को मिला। सो आज के दिन इस प्रकार की इतने जबरदस्त गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए स्टॉक टॉप लेवल से बहुत ही जबरदस्त गिरावट दिखा चुका है, जो कि लगभग 45 से लेकर 46% तक की गिरावट, ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो ऑलरेडी स्टॉक टॉप लेवल से लगभग 50% डाउन है। उसके बाद भी अगर इन स्टॉक में डेली बेसिस पे इस प्रकार के 3% 4% की गिरावट होता है तो ऑब्वियसली ये गिरावट इन स्टॉक के लिए एक बहुत ही बड़ी गिरावट ही माना जाएगा। सो आज के दिन इस प्रकार के 3-4% के बड़े गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो आज के दिन के इस गिरावट के पीछे का रीजन की बात करें तो एक ही रीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वो दोस्तों कंपनी के एफएनओ सेगमेंट वाले बिजनेस, जिसके लिए आप देख सकते हो कि स्टॉक टॉप लेवल से ये जो 40-50% गिरा है, अभी तक जो हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, इस गिरावट के पीछे भी एक ही रीजन है कि कंपनी के एफएनओ सेगमेंट वाले बिजनेस, जो कि कंपनी के मेन बिजनेस है। क्योंकि जिस प्रकार के लगातार एफएनओ नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिला सेबी के साइड से, उसके चलते ये स्टॉक देख सकते हो कि लगातार गिरावट और हमें गिरावट ही देखने को मिला। और आज के दिन भी सेम इसी एफएनओ सेगमेंट से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल गया है। हाल ही में सेबी के साइड से हमें एक बहुत बड़े अपडेट देखने को मिला कि सेबी ने प्रपोजल रखा है 7 ऐसे रूल्स के, जो कि वो आने वाले टाइम में ये प्रपोजल रखे कि आने वाले टाइम में इन 7 रूल्स इस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर हमें लागू करते हुए देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का मेन रीजन है जो रिटेल पार्टिसिपेंट लगातार एफएनओ सेगमेंट में इंक्रीज हो रहा है, उसको किसी भी हाल में रोका जाए, यानी कि जो एफएनओ सेगमेंट के वॉल्यूम है जो मैसिव तरह से ग्रो हो रहा है, जिनके चलते ये ब्रोकिंग वाली कंपनी एक्सचेंज वाली कंपनी जबरदस्त तरीके से कमा रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर वो बहुत हद तक फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, बहुत हद तक उनको रोकना चाहते हैं, और जिसके चलते ये न्यूज बहुत ज्यादा हाल ही में पॉपुलर भी हुआ था। तो आज के दिन उसी से रिलेटेड फिर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल गया। सो कुछ एक्सपर्ट के मानना है तो सेबी बातचीत जो सेबी ने जिस प्रकार के प्रपोजल रखे हैं कि 7 रूल्स है, तो इन 7 रूल्स को आने वाले टाइम में इन एफएनओ सेगमेंट के ऊपर लागू करना है, ताकि जो एफएनओ सेगमेंट को वॉल्यूम है जो लगातार रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेगमेंट में पैसे लगातार वो लॉस करें, तो उनको रोकना है, यानी कि एफएनओ सेगमेंट के वॉल्यूम को कम करना है। तो ये उनके अभी तक के प्रपोजल थे, बट कुछ एक्सपर्ट का ही मानना है, आज के दिन हमें अपडेट देखने को मिला कि जिस प्रकार की खबर हमें देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार के हलचल इतने ज्यादा हो रहे हैं इस 7 रूल्स को लेकर, तो शायद से 7 रूल्स को लागू ना भी करें तो 7 में से कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, 7 में से कुछ रूल्स को वो इस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर आगे जरूर आपको लागू करते देखने को मिल सकता है। और इन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन 7 रूल्स में से कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है अगर उनको इस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर लागू कर दें तो डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनके बिजनेस में और जिनके बिजनेस के इनकम के ऊपर आपको बहुत बड़े इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिनमें पहला आ जाते हिट होंगे एक्सचेंज वाली कंपनी, उनके जो बिजनेस है उनके जो अर्निंग्स है उनके इनकम के ऊपर हमें बहुत बड़े इंपैक्ट देखने को मिलेगा, दूसरे ब्रोकर खास करके डीप डिस्काउंट वाले ब्रोकर उन कंपनी के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एफएनओ सेगमेंट से आता है, तो इनके चलते इन दोनों कंपनी के बिजनेस के ऊपर दोनों कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़े इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो कि लगभग ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि अगर ये चीजें लागू हो जाता है जो मेन पॉइंट है 7 में से, खासकर जो लॉट साइज वाले पॉइंट है कि अभी जो 5 लाख के लॉट साइज देखने को मिल रहे हैं उसको प्रपोजल रखे कि उसको इंक्रीज करके 2 लॉट में उसको इंक्रीज किया जाए 2 फेज में, तो जो लाख मतलब 30 लाख तक कर दे 30 लाख तक आपको ये करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा 5 लाख से 30 लाख तक लागू करते हैं तो एफएनओ सेगमेंट में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं टोटल 45 लाख ट्रेडर ऐसे हैं जो कि एफएनओ में एक्टिव ट्रेडर है, वो लगातार एक्टिव के हिसाब से एफएनओ में ट्रेडिंग करता है, उसमें से 80% ऐसे हैं जिनके टर्नओवर 10 लाख के नीचे। तो अगर वो सेबी नॉर्मली अगर रूल 30 लाख कर दे कि 30 लाख नॉर्मली टर्नओवर लॉट साइज होना चाहिए, तो 80% ट्रेडर के पास मतलब बोल सकते हो कि वो ना चाहते हुए भी वो इस एफएनओ सेगमेंट से आपको क्विट भी करते हुए देखने को मिल सकता है, जिनके चलते एक्सपर्ट का मानना है कि इस एफएनओ सेगमेंट के वॉल्यूम के ऊपर मैसिव गिरावट 30 से लेकर 40% तक के हमें जबरदस्त वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकता है। जो कि इस प्रकार की खबर जो भी कंपनी इस एफएनओ सेगमेंट के बिजनेस के ऊपर काम करता है तो उन कंपनी के लिए ये बहुत 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 बड़ी नेगेटिव अपडेट है। बाकी और भी अलग अलग रिपोर्ट देखोगे तो उनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि सेबी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि शायद से प्रपोज जो न्यू हमें एफएनओ के रूल्स देखने को मिल रहे हैं तो एंड देयर पॉसिबल इम्पैक्ट, तो अगर वाकई चीजें मतलब कर दे लागू कुछ पॉसिबली बताया जा रहा है कि शायद से ये चीजें उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे है जो कि इस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर हमें जरूर आने वाले टाइम लागू करते हुए देखने को मिल सकता है।
तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनकी जैसे मतलब खास करके जो डिस्काउंट डीप डिस्काउंट ब्रोकिंग वाली कंपनी जिनमें सबसे पॉपुलर तो फिलहाल एंजिलॉन है क्योंकि लिस्टिंग के हिसाब से, बाकी और भी ढेरों सारी कंपनी है, ग्रो तो नंबर वन पे है, उसके बाद जीरो था, उसके बाद एंजिलॉन, बट एंजिलॉन तो मार्केट में लिस्टेड है इसलिए इसी में हमें वो रिएक्शन देखने को मिल जाता है, तभी तो स्टॉक लगातार एक तरफा गिरावट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके 84% बिजनेस सिर्फ एफएनओ सेगमेंट से आते हैं। जितने ज्यादा लोग एफएनओ में ट्रेड करेंगे, जितने ज्यादा एफएनओ के वॉल्यूम सूटअप होगा, उतने ज्यादा ये डिस्काउंट ब्रोकिंग वाली कंपनी जबरदस्त नोट नोट छापेंगे, और इन्हीं वॉल्यूम के ऊपर जब ऐसे ऐसे मैसिव गिरावट होगा तो डेफिनेटली इनके इनकम के ऊपर मतलब आने वाले जो अर्निंग्स रहेंगे उस अर्निंग्स के ऊपर भी आपको बहुत बड़े इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते स्टॉक टॉप लेवल से इतने ज्यादा डाउन होने के बाद भी मार्केट टॉप पे जा रहा है, बट इसके साइड से कोई भी कमबैक नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट दोस्तों एक ही चीज मैं बोल चुका हूँ कि कोई इस टाइम पे ये सोच रहा है कि स्टॉक टॉप से 50% डाउन है तो क्या जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए इससे पहले भी इस प्रकार की गिरावट स्टॉक दिखा है, तो अभी बाय करने में क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों बिल्कुल आपके आप जो सोच रहे हो सही है, बट एक चीज दिमाग में रखो जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी स्टॉक को कवर करता हूँ इस पॉइंट को मैं आपके सामने जरूर रखता हूँ कि पहले इससे पहले भी स्टॉक इस प्रकार के 40% 48% तक इससे भी बड़ी गिरावट दिखा था, क्योंकि मैंने खुद कवर किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज तब ये गिरावट नॉर्मल था मार्केट में गिरावट होने के चलते, बट ये गिरावट थोड़ी सी सीरियस है क्योंकि कंपनी के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, वो भी कंपनी के मेन बिजनेस एफएनओ सेगमेंट। तो आने वाले टाइम में कंपनी किस प्रकार जो अभी तक जो कंपनी नंबर दिखाते आ रहे हैं ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ऐसे, तो नंबर कंपनी के यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका है, तो आगे इसी नंबर को मेंटेन रख के आगे और ग्रोथ दिखाना, तो जिस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं एफएनओ सेगमेंट के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा टफ हो सकता है। तो अगर आप उन टफ चीजों को झेलने के लिए रेडी हो, हैंडल करने के लिए रेडी हो, और लंबी अवधि होल्ड करने के लिए रेडी हो, और ब्रोकिंग स्टॉक में जाना है, तब आप चाहो तो इस टाइम पे आप एंजिलॉन के बारे में आराम से कंसिडर कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, टाइम लग सकता है, पर लॉन्ग टाइम में आगे आपको धीमे धीमे जरूर कमबैक करते देखने को मिल सकता है। और बाकी एक चीज जो कि मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि फिलहाल ये जो स्टॉक जब तक 2500 को ब्रेकआउट ना दे, उसको बस सस्टेन न करें, तब तक स्टॉक में एक बेरिश मोमेंटम बना हो, अगर मार्केट में कभी भी प्रेशर आया अच्छे खासे, क्योंकि मार्केट तो टॉप पे है, और ऊपर से अगर एफएनओ सेगमेंट के ऊपर कुछ और खबर निकल गया ऑफिशियली, तो 2000 को इजीली ब्रेक डाउन देके स्टॉक उसके नीचे 1750 से लेकर 1500 तक भी आ सकता है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि कंपनी खराब है और स्टॉक अभी कमबैक करेंगे, स्टॉक जरूर कमबैक करेगा, बट उसके बाद कमबैक करने के लिए रिकवर करने के लिए और भी काफी टाइम लग सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो सेम बीएसई लिमिटेड, इन स्टॉक में भी देख सकते हो कि आज के दिन 3-3% की गिरावट, और ये भी स्टॉक देखा जाए तो टॉप से देख सकते हो कि हाँ 6 मंथ में देखोगे तो एंजिलॉन जिस प्रकार से गिरा है ये इस प्रकार से गिरा नहीं है, क्योंकि एंजिलॉन का पूरा बिजनेस देख सकते हो कि 84% बिजनेस उसी एफएनओ सेगमेंट से आता है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है, तभी तो ये स्टॉक आज भी टॉप लेवल से आपको लगभग 20% तक डाउन देखने को मिल जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर ये चीजें लागू हो जाते हैं तो इन एक्सचेंज वाली कंपनी के बिजनेस के लिए भी कितने बड़े इनके रेवेन्यू में इनके इनकम में इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये चीजें ये पॉइंट खुद जो दूसरे एक्सचेंज है एनएसई जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो सेबी के साइड से हमें उनके साइड से उनकी चीफ के साइड से इस प्रकार के हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला, किसी भी जिस प्रकार के प्रपोजल रखे हैं इस एफएनओ सेगमेंट वॉल्यूम को रोकने के लिए, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही हेविली बहुत बड़े सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है इस एफएनओ दोनों एक्सचेंज के इनकम के ऊपर, क्योंकि इन एफएनओ सेगमेंट के जो अकाउंट होते हैं उनमें एफएनओ जो क्योंकि जो एनएससी एक्सचेंज है दोस्तों इसके लगभग हमें 60% तक हमें कंपनी के रेवेन्यू आ जाता है ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग से, मतलब इस एफएनओ सेगमेंट से जो कि आप देख सकते हो, और बाकी इस लिमिटेड की बात करें उनके 40% इनकम इसी एफएनओ सेगमेंट से आता है। तो अगर ये चीजें लागू हो जाते हैं तो ब्रोकरेज खास करके आईएफएल सिक्योरिटी का ही मानना है तो फाइनेंस ईयर 26 के कंपनी के जो इनकम रहने वाले उनके इनकम में हमें बहुत बड़े इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, खास करके जो एनएसी है उनके अर्निंग्स में हमें लगभग 25 से लेकर 30% के बहुत बड़े इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब बहुत बड़े डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अगर हम बीएससी की बात करें तो उसमें भी लगभग 15 से लेकर 18% तक की जो कि एक बहुत बड़े मैसिव फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है अगर अगर ये चीजें लागू हो जाते हैं तो। इसीलिए किसी के पास अगर बीएससी लिमिटेड स्टॉक भी है तो आप इसको जरूर फोकस में रख रहे हो, प्रॉफिट तो इसने बहुत ही कमा के बना के दिया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म साथ ही मतलब दोनों हिसाब से, बट एक चीज देखा जाए जैसे मैं बोलूँगा अगर ये न्यूज अगर अब ऑफिशियली आ जाता है तो इतने प्रॉफिट बना हुआ है तो धराधर स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट की बुकिंग भी आ सकता है, बाकी कंपनी अच्छी कोई लॉन्ग टाइम वाले हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये चीजें ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी करने वाले, तो अगर आपके पास है लंबी अवधि के लिए आप इस कंपनी के साथ जरूर बने रह सकते हो, या तो कि अगर बड़ी गिरावट आता भी है तो ये गिरावट आपके लिए अच्छे खासे मौका भी हो सकता है, आप चाहो तो उस मौके का फायदा उठाने के बारे में भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो सीडीएसई लिमिटेड, सो सीडीएसई की बात करें तो
तो इसमें आपको कुछ मतलब इसमें देखोगे तो आपको एक फ्लैटी सी प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। शुरुआत में तो स्टॉक में एक अच्छी रैली था, स्टॉक ने आज के दिन फिर से अपना एक फेस न्यू हाई भी अचीव किया था, और वैसे भी स्टॉक अच्छी प्रॉफिट में दे रहे हैं। 5 दिन में 10%, 6 मंथ, 40%, साल भर में 118%, और बाकी 5 साल में 1200, 1250%। और आपको पता है अगर एफ एन ओ सेगमेंट के वॉल्यूम कम होता है तो ये जो सी डी एस लिमिटेड कंपनी है, फिर जो डिपॉजिटरी वाली कंपनी, उनके लिए अच्छे पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग एफ एन ओ से क्विट करके आएंगे, वो उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट को वो जरूर शिफ्ट होंगे। तो जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उतने ज़्यादा ये जो डिपॉजिटरी वाली कंपनी, इनके इनकम आपको, इनके परफॉर्मेंस मतलब इनके इनकम में आपको अच्छे खासे उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो उन दोनों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, बट सी डी एस एल के लिए देखा जाए तो एक अच्छे पॉइंट आगे जरूर हो सकता है। बाकी स्टॉक की बात तो स्टॉक फिलहाल टॉप पे है, और आपको 24 जुलाई इसके तो हमें एक्सीट मतलब रिकॉर्ड भी आ चुके कंपनी के जो बोनस अनाउंसमेंट कहते हैं। तो शायद से अगर मार्केट में ऐसा पॉजिटिविटी बना रहा तो बोनस मिलने से पहले पहले ये शायद से यहाँ से एक और भी जबरदस्त रैली दिखा सकता है। बाकी कंपनी दमदार है, जिसके पास भी तीनों के तीनों अच्छी कंपनी है, तीनों कंपनी दोस्तों लंबी अवधि में आपको आगे और भी अच्छे करते देखने को मिल सकते।